उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बिना विचलित हुए लगातार सरकार के कामकाज में जुटे हैं। हैरत यह है कि विधायकों पूर्व विधायकों द्वारा लगातार सरकार की आलोचना किए जाने के बाद भी संगठन की सख्ती नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम क्या हुई, मानो पार्टी में ही एक विपक्षी धड़ा बन गया। सहयोगी दल तो हमलावर थे ही, खुद पार्टी के विधायक भी मुंह खोलने लगे। इस सब के बावजूद सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना विचलित हुए लगातार सरकार के कामकाज में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण के नाम पर पत्र लिखकर सरकार पर हमला बोला। सरकार के जवाब ने उसे टाए टाए फिस कर दिया, तो उन्होंने मिर्जापुर में टोल प्लाजा को लेकर पत्र लिखा। बात यही नहीं रुकी, शिक्षकों की हाजिरी को लेकर विपक्षी दल हमला करते। इससे पहले हाजिरी को लेकर खुद पार्टी के कई नेता विधायकों ने पत्र लिख डाले। संजय निषाद तो आरोप लगा ही रहे थे, अब उनके बेटे सरवन निषाद ने चोरी चोरा पुलिस को घेरा है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, विधायक जिले में अपने काम न होने और कुछ निजी स्वार्थों के जरिए सरकार पर हमलावर हैं। उन्हें क्षेत्र में जनता की समस्याओं और विकास के कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस सब के इतर आश्चर्य तो यह है कि बीजेपी संगठन ने पार्टी मंच पर खुलकर सरकार पर हमला करने के चलते हुई फजीहत करने वाले किसी भी नेता पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। पार्टी में खुद इस रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार विरोधी अजीबोगरीब मुहिम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज में जुटे हैं। अव्वल तो उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, शाहजहांपुर का न केवल दौरा किया बल्कि वहां कार्यों की समीक्षा भी की, पौधारोपण भी किया। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के फैसले को लेकर भी काफी विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन योगी अपने फैसले पर कायम है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी आपत्ति जताई है। उपचुनाव से पहले शंकराचार्य ने इस नियम को लेकर कहा कि इसे अचानक नहीं लाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, आपको अचानक से इस तरह का नियम नहीं लाना चाहिए था। सरकार को सुझाव देते हुए वो आगे बोले कि पहले कोई शिक्षा का वर्ग चलाया जाना चाहिए था, कांवड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था, कांवड़ियों को समझाया जाना चाहिए था कि शास्त्र के अनुसार पवित्रता की जरूरत होती है, लेकिन आप तो डीजे बजवा रहे हैं, आप तो उन्हें उछलवा रहे हैं और कुदवा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कांवड़ियों की धार्मिक भावना कैसे आएगी? हमें ऐसे लगता है कि इस तरह का नियम बनाने से विद्वेष फैलेगा। शंकराचार्य ने कहा, हमारी सोच पर बहुत सारे हिंदू कहेंगे कि हम कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वही तो कहेंगे। हम कैसे कह दें कि सरकार का ये नियम सही है? आप जब हिंदू मुसलमान की भावना तेज करेंगे तब लोगों में भेद आएगा। हर समय वे चीजों को हिंदू मुसलमान की दृष्टि से देखेंगे और उसमें कड़वाहट आएगी, टकराव पैदा होगा। शंकराचार्य ने कहा, आज लोगों की समझ ऐसी हो गई है कि वे कहीं भी खा रहे हैं, वे सोचते ही नहीं कि किसने उसे और किस भावना से बनाया है। पहले लोग विचार करते थे, आम हिंदू अब यह विचार नहीं करता है, क्योंकि लोगों को इस बारे में जागरूकता नहीं दी गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको इसके लिए वातावरण बनाना जरूरी है। सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए शंकराचार्य ने कहा, जिन्होंने इस नियम को अचानक लागू किया है, कहीं ना कहीं राजनीति उनके मन में है। जो इसकी व्याख्या इस तरह से कर रहे हैं वह भी तो राजनीति कर रहे हैं, बांटने का काम दोनों कर रहे हैं। अच्छी व्याख्या करने के लिए विपक्ष को आना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में संभालना किसी को नहीं है। सबको दिमाग में जहर बोना है, यह बांटो और राज करो की नीति है। दरअसल यूपी सरकार ने सावन से पहले एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर रेस्टोरेंट को मालिकों के नाम दर्शाने होंगे। पहले यह नियम सिर्फ मुजफ्फरनगर पुलिस के लिए था, जबकि बाद में प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के लिए इसे लागू कर दिया। कांवड़ इस सावन के महीने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे, कहीं जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे यात्राएं निकलेंगी, कहीं सावन मेले के कार्यक्रम होंगे, कहीं पर अन्य बड़े कार्यक्रम होंगे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सुरक्षा और सतर्कता के बारे में, देखिए जिस प्रकार के अलर्ट आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हैं। कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने के लिए किसी भी कांवड़ यात्री पे हमला कर सकता है। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं उस समय उन पर हमला किया जा सकता है, कोई अन्य घटना घटित हो सकती है। इसलिए जहां भी उनका रात्रि विश्राम हो उसके आसपास का सुरक्षा का वातावरण बेहतरीन होना चाहिए। जहां जिस रूट पर भारी मात्रा में कांवड़ यात्री चले
वहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था हो और ट्रैफिक डाइवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उल्लंघन करने की परमिशन न हो, इसको भी हम ध्यान में रख करके देखें। शिवालय होंगे, मंदिर होंगे, उन सभी के आसपास हम देखें कि कोई जर्जर भवन है, बरसात के समय में वह गिर न जाए और उसके कारण जन हानि न होने पाए, इसके बारे में भी हम लोगों को वहाँ पर ध्यान में रखना होगा। बड़े देवालयों में, शिवालयों में भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग पहले से ही मंदिर प्रबंधन के साथ बैठ करके अपनी कार्य योजना बना लें और हम उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने दें। परिवहन निगम की बसें जो हैं, जो सड़क पर सही हालत में चलने लायक है, उन्हीं को सड़कों पर चलाएं, अन्यथा जनपद स्तर पर भी और यहां शासकीय स्तर पर भी इस बात को, मुख्यालय स्तर पर भी इस बात की समीक्षा हो जाए कि जो जर्जर हो चुकी है, चलने लायक नहीं है, सड़कों पे पलटती हैं, इस प्रकार के कोई भी वाहन सड़कों पे न चलाए जाएं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई स्थिति न आने पाए। स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था हर एक जगह हो और सुरक्षा के लिए जो भी हम लोग अपने स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं वह हम लोग करें। कावड़ यात्रा के बारे में और अन्य जो पर्व होने, अयोध्या का सावन मेला है, अन्य कार्यक्रमों की तैयारी हमारी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, ये हम लोग अभी से देख लें। कहीं भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी न दें, एक तो ये मामला है।